सभी को मेरा प्रणाम। मैं लिटपन तो अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज दिन में घर में तो गरिमा होगी, तो देखिए अरे नींद आ जा रही है खड़े खड़े यहाँ पर, तो बैठा वैसे ही। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों मैं गया हूँ पोखरी मार्केट, यानी कि मोमोज का आनंद लूँगा, तो बने रहे मेरे चैनल में, भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मोमोज का आनंद ले रहे हैं मेरे भाई हिमांशु, देखिए हिमांशु और मैं मोमोज का आनंद लेंगे अभी। तो अच्छे लगते हैं ना, थोड़ा फेवरेट भी हमारे वो, उसका आनंद ले रहे हैं पोखरी मार्केट में। बने रहे मेरे चैनल। तो देखिए मोमोज और चटनी के साथ आराम से खा रहा हूँ मैं अभी। तो देखिए आप, तो ये है मोमो, शानदार मोमो। तो अभी हो चुकी है शाम, मैं पहुंच चुका हूँ घर। तो आज मैं गया था पोखरी मार्केट, पोखरी मार्केट में हमने खाया आज भाई और मैंने क्या मोमो की खरीद ना न जाने उन्होंने मोमो को नहीं भैया। तो हमने खाया आज मोमो, मोमो का आनंद उठाया शाम को। तो पोखरी गया था मार्केट में, आप सभी लोग को अभी दिखाए हमने। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे जस्ट घर, अभी अभी पहुँचे, अभी आए बाइक में ही आए अभी नीचे को। तो पोखरी से घर में तो हमारे दाजी थे, दाजी पहुंचा गए हमको। तो अभी मिलों की बन रही होगी सब्जी, तो अंदर देखता हूँ। अभी मट्ठा भी बन रहा है, तो देखता हूँ अभी मैं। ये देखिए, ये लगा रखी है मशीन, ये मट्ठा बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है मट्ठा। अब फिरुक भी नहीं है, फिरुक आपने देखा ही होगा पहले, तो मट्ठा बनाने के लिए यूज होता था पहले वो। मैं फिरुक दिखा दो, किसे होना फिरुक, फिरुक जिसमें बना देगा थूमी। फिरुक कैसा भाई, फिरुक क्या गिरा है? गिरा मुझे अर्थक्वेक। हम कुछ गिरेगा नहीं सुबह सुबह हैं अर्थक्वेक का। क्या देखिए इसमें बन रही है मट्ठा, मशीन है मट्ठा बनाने वाली। तो देखिए ऐसे बनती है हमारे पहाड़ों में मट्ठा, स्पेशल मट्ठा बनेगी। तो देखिए मट्ठा कैसी हुई है, ये हालत देख दो इसके। ये था हमारा क्या कहते हैं कैसे, इनको अंदर बाहर रख, इसको बाहर रख दे, बाहर रखना इसको। ये देखा है, ये यहाँ पर क्यों रखा है पता नहीं, ये मारना हल्ला रख रहा है नीले। तो इसको दीजिए मैं कृपया, ये इसको इसको फिर को हम ऊपर ले जाएंगे। अभी अभी विश्लेषण गोलू करेंगे कैसे बना देंगे करके। पन में जाएंगे, मैं जाऊँगा पन में, पन में यानी कि हमारे दो मंजिले में, यानी कि तीन मंजिले में, दो मंजिले अभी नहीं है, तीन मंजिला है वो। तो पता नहीं क्या हुआ है, ये कहीं ये ढोल नगाड़े में सारे नॉर्थ भी लगाया कहीं, अभी जाता हूँ मैं। ये तो ये था हमारा फिरका पहले, देखिए ऐसे हाल हो रखे हैं फिरकू के। तो इससे बनती थी मट्ठा, मट्ठा स्पेशल मट्ठा बनती थी, अब तो मशीनों का यूज होने लगा मट्ठा बनाते समय भी। तो ये देखिए फिरका, देखिए। तो देखिए मैं गया हूँ अभी तिमंजिले में, अपने मकान के तिमंजिले में। तो देखिए आप, तो ये है थुमी, थुम बोलते हैं इसको। तो इसमें जो मैंने आपको दिखाया फिरका, वो इससे मट्ठा बनाते थे पहले। तो देखिए ये हमने अभी भी बचा के रखी है ये यहाँ। तो देखिए इसमें ही बनती थी मट्ठा, स्पेशल मट्ठा होती थी, कई बढ़िया मट्ठा बनती थी इसमें। तो ये देखिए ये थुमी हमारी है, देखिए आप, ये देखिए आप भी थुमी मैंने बना के, ये जब हमने मकान बनाया तो सब बोल रहे थे कि इसको उखाड़ देते हैं, उखाड़ दे। मैंने कहा नहीं, हमारा पुराना कल्चर है, इससे तो हमने पिया स्पेशल मट्ठा, कितना घी खा रखा है थुमी, कितना कष्टकारी जीवन होता होगा जब हाथों से। तो मैंने भी, मम्मी बनाती थी जब, तब मुझे भी पता है कि हाथों में दर्द हो जाती थी मट्ठा बनाते बनाते, हाथों में दर्द हो जाती थी पहले से। तो हमने भी देखा है पहले से, क्योंकि देखिए आप भी। तो अभी तो मशीनरी हो गई है, आपको दिखाई मैंने, अभी तो हम भी मशीन से बनाते हैं, ये देखा ही होगा आपने, अभी मम्मी ने लगा रखी है वो मशीन में, तो देखा ही होगा आपने भी, ये देखिए। तो अभी मैंने आप सभी लोग को दिखाया कि मट्ठा कैसे बनती थी पहले हमारे घरों में, तो अभी तो मशीनरी से बनती है। तो अभी हम होली गा रहे हैं, यानी कि राग, क्या गा रहे हैं, धमार, पहले धमार बजा, थोड़ा बहुत बजा रहे हैं धमार, राग धमार को, तो राग धमार बजा रहे हैं अभी फिलहाल। तो आप भी आनंद उठाइए इस वीडियो का, मेरे छोटे भाई साहब बजा रहे हैं इसमें हारमोनियम में, तो राग धमार बजा रहे हैं, क्योंकि होली का सीजन
चल गया ना अभी, तो देखिए पूस के एतवार से, हमारे वहाँ पौष के एतवार से होली का सीजन शुरू हो जाता है। तो ये पहाड़ों में यानी कि कुमाऊँ में खासतौर में तो होलियों का राग बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि होलियों तक सीमित रहता है फिर ये, क्योंकि बहुत ही प्रमुख राग हैं, राग धमार है, काफ़ी है, जगला काफ़ी है, खम्मा जय देश है, और बहार है, और जय जयवंती है विवाह के लास्ट में, तो उन सभी रागों को गाया जाता है। तो पूस और माघ यानी कि फागुन तक चलेगा ये होलियों का राग। तो आप भी आनंद उठाइए मेरी इस वीडियो का, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी ये राग धमार करके। तो आप भी आनंद उठाइए इस वीडियो में, तो आनंद उठाइए राग धमार का भी, आप सभी लोग भी। तो अब हो गई है मेरी सोने की तैयारी। तो आप सभी लोगों को आज दिखाई मैंने कि आज हम गा रहे थे कुमाऊनी होली, यानी कि ये पौष के पहले रविवार से शुरू हो जाती है, तो कुमाऊनी होली हमारे उत्तराखंड में। तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, तो होलियों का राग शुरू हो जाता है इस समय से। तो होलियों के टाइम तक तो चलते रहती हैं ये होलियाँ लगभग, तो राग धमार, तो काफ़ी जंगला काफ़ी, बहार, सहाना और खम्माज यानी कि जय जयवंती, झिझोटी, विहाग, लास्ट में तो इन आदि रागों को गाया जाता है इन होलियों में। तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस होती है पौष के रविवार, और फिर पौष के रविवारों में और माह के रविवारों में यानी कि फागुन मास में तो होलियाँ ही शुरू हो जाती हैं। तो आनंद उठाइएगा मेरी इस वीडियो को, ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ललित पंत फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा प्रणाम, शुभ रात्रि।